नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक RTI का रिप्लाई आया है और इस RTI रिप्लाई में हम सारी जानकारी जो भी आई है आप लोगों के सामने इस वीडियो में बताएंगे। पहला चीज़ ये दोस्तों हम बताएंगे यहाँ पास कि क्या अभी आप जानते हैं कि LP ट्रेनिंग चल रही है और मार्च तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो क्या जो दूसरा शेड्यूल आने वाला है वो कब तक आएगा। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे, क्या मार्च के बाद शेड्यूल आ जाएगा या ट्रेनिंग कुछ समय के लिए बंद कर दी जाएगी, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। पहले हम देखते हैं क्या RTI रिप्लाई आया है NCR द्वारा। यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये RTI रिप्लाई है और इसका जो जवाब आया है 1 तारीख 2 महीना 2021 को आया है इसका जवाब। और यह RTI डाला गया था 27 तारीख 1 महीना 2021 को RTI डाली गई थी। ओके, आप यहां देख सकते हैं ये कहां का है, NCR प्रयागराज से ये RTI रिप्लाई आया है। तो यहां देखिए क्या है, यहां पास सारी जानकारी देंगे हम। पहला चीज़, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नेक्स्ट शेड्यूल वो कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पास देखिए इसका जवाब जो आया है तो ये बोला गया है कि 31/3/2021 तक का ट्रेनिंग शेड्यूल NCR वेबसाइट पर देखिए, अभी 2021-22 का ट्रेनिंग सेंटर द्वारा कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 31/3/2021 तक का जो भी शेड्यूल है वो वेबसाइट पर है, वो तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन नेक्स्ट शेड्यूल अभी हम लोग इनको ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जारी नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, एक अनुमान ये है कि मार्च में ही ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मतलब फुल चांस है कि मार्च में ही, मतलब लास्ट बैच जाने से पहले ही, एक दो बैच जाने से पहले ही ट्रेनिंग शेड्यूल आ जाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पास आप दूसरा देख सकते हैं, 2021-22 में सारे बच्चे का यहाँ पास जो भी है ट्रेनिंग कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आगे देखते हैं क्या तीसरा, ट्रेनिंग जो है वो मार्च के बाद भी जारी रहेगी, मतलब मार्च के बाद कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, कंटिन्यू ट्रेनिंग अब चल रही तो चलती ही रहेंगी। और यहाँ पास चौथा क्या है, जो ALP की इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग है वह केवल 79 दिन की होगी, मतलब 80 दिन में ही आपकी सारी ट्रेनिंग पूरी करा दी जाएगी। तो दोस्तों, आप वेट कीजिए, जिनका अभी ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं आया है आप इतना जानिए कि हम लोगों को भी थोड़ा जानकारी प्राप्त हुई है ये कि मार्च फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए। और बाकी दोस्तों, इसके बारे में कोई भी जानकारी अगर मिलता है तो मेरा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है कानपुर में, मैं 8 फरवरी के बैच में जाऊंगा, मुझे जो भी जानकारी वहाँ से प्राप्त होगी मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।